सभी को प्रणाम। 97 में मैं पहले गुरुजी से मिली थी और आज मैं गर्व से कहूंगी कि शायद मैं आप सबसे पहले गुरुजी को मिली थी। तो उसके पहले 86 में मैंने मेरे छत पे, मैं शहर खेती बोलती हूँ, मेरे गार्डन को मैं गार्डन बोलती नहीं हूँ, मेरी सुभाष पालेकर शहर खेती है। तो वहाँ पे मैंने हर सब्जियाँ फ्रूट्स और 12 महीने मेरे छत पे या तो ज्वार या तो बाजरा या तो मकई रहती है पंछियों के लिए। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते कि कट्टर गुजराती है, हाँ वो गुजराती छू। एक मजे की बात यह है कि जो ये मैंने काम शुरू किया था तब पूना में, मैं पूना बेस हूँ, तो पूना में कचरा देखो ओवरफ्लो हो चुका था और उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर था कि उस कचरा डिपो में कचरा नहीं जाएगा। और उससे पहले, वो बैन लगने से पहले, जिसको लोग कचरा बोलते हैं वो मेरे जीवाणुओं का, मेरे पौधों का खाद नहीं बोलूंगी, खाना था। और वो खाना, वो भोजन मेरे छत पे जाता था। मेरी छत थी 4000 स्क्वायर फीट की और वहां पे मैंने गन्ने से लेके सब कुछ वहाँ पे, आज भी मेरे घर पे आप आओगे तो जरूर मिलेगा अपने ग्रुप पे। मैं 2 महीने पहले अमित भैया ने जो मेरा इंटरव्यू मेरे छत पे लिया था गुरु जी के साथ में, वो डालूंगी मैं शाम को। तो ये उगाने की कोशिश की थी। तो उन लोगों के हिसाब से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थी, घन कचरा व्यवस्था पर, और अपने हिसाब से वो अपनी पालेकर कृषि थी। नाम कुछ भी दो, मतलब जो हमने सुबह बात छेड़ी थी कि गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए या नहीं, मैंने ये समझ चाहा था कि वो नाम कुछ भी दे, काम तो अपना ही है। और वहां पे मैं टंकी की चोट पे बताती थी कि हम शहर खेती करते हैं, ये कचरा व्यवस्थापन नहीं है। और आज तक हजारों लोगों को मैंने सिखाया है। मेरा पहला शिविर 87 में हुआ था जब मेरा बेटा मेरे पेट में था। आज मेरे बेटे की बेटी 6 साल की है, मतलब इतने 35 सालों की ये मेरी तपस्या है। गुरुजी को बहुत तंग भी करती हूँ, गुरुजी के साथ भी रहती हूँ, बस गुरुजी ने आवाज दी मैं दौड़ी आती हूँ। आज भी ऐसे ही 2 दिन के लिए आई हूँ, माफी चाहूंगी कि मैं सिवार फेरी में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा जो सारथी है उसको आगे 2 दिन की मेरे साथ रहने की इजाजत नहीं है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं शहर खेती के शिविर भी लेती हूँ अपने सुभाष पालेकर कृषि के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब शिवार फेरी महाराष्ट्र में होती है तो मेरी शहर खेती देखने भी सब आ जाते हैं, गुरु जी सबको साथ लेके आते हैं। तो बहुत आसान है। मैंने शुरुआत कैसे की थी मैं 1 मिनट में बताऊंगी आपको। जो अपनी मिट्टी की ईंटें होती है उस ईंटों को मैंने ऐसे आपस में जोड़ के खाली रखा है, एक सिंगल ईंट को ऐसे आपस में जोड़ के रखा है, बीच की जो गैप है उसको मैंने भरा नहीं है, वो लूज ही है ताकि एक्सेस वाटर वहां से निकल जाए। और मैं थी जॉइंट फैमिली में, मेरे घर में 50 के ऊपर लोग थे, मैं सबसे बड़ी बहू थी, मेरे 4 ससुर जी 4 सासू माँ, उनको जवाब देना था। तो मैंने छत हेवी ना हो जाए इसलिए एक चुटकी भर भी मिट्टी यूज नहीं की थी। और बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचने लगी मैं, तब मुझे लगा शायद मैंने बायोडाइवर्सिटी को भी सेव किया, कहीं से मिट्टी उठा के मैं मेरे छत पे नहीं लेके आई और खाली सूखे पत्ते फैला दिए उसके ऊपर। तब जीवामृत का पता नहीं था, ये बात 87 की है, तो जीवामृत का पता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, एक बकेट भर पानी में 1 चम्मच भर गोमूत्र डालती थी और छिड़का देती थी और उससे वो गल जाता था, मतलब उसी में मैंने पौधे लगाए थे। ये कंपोस्टिंग था ही नहीं, कंपोस्टिंग कभी दिमाग में आया ही नहीं। तो ये ईंटों की जैसे जैसी जगह मिली एक ही बाजू में एक ईंट रखती गई। कॉमन सेंस से 3 ईंट के ऊपर हाथ नहीं जाता है, तो जो दीवार के साथ की 3 ईंटें थी वो मैंने चौड़ाई में रख दी और लंबाई में जितनी मुझे लेंथ मिलती थी उतने मैंने ईंटों को रचा दिया और उसमें सूखे पत्ते डाल दिए, उसके ऊपर ये पानी का गोमूत्र के साथ छिड़काव कर दिया। और जो नर्सरी से रेडी पौधा मिलता है वो पहला पौधा मैंने नींबू का लगाया था। मेरे पतिदेव बहुत ही गुलाब के शौकीन थे, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही बताया था कि मेरी जो 10 कुंडी है गुलाब की उसको तूने हाथ नहीं लगाना है, तेरा जो कुछ है तू तेरा कर।
मैंने जानबूझ के नींबू के पौधे के साथ एक गुलाब का पौधा लेके आई और वो नींबू के पौधे के साथ मैंने गुलाब का पौधा लगा दिया और 2 महीने के अंदर उनके गुलाब पे 4 या 5 कलियां और मेरे गुलाब पे थे 20 या 25 कलियां। तो मैं जीत गई और उस जीत ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। 6 महीने के अंदर मेरे नींबू के पौधे पे मैंने 35 नींबू निकाले थे 6 महीने के अंदर। टेरेस पे वही करना है, आपने 0 बजट कंसेप्ट से ही करना है, आपने कुछ खरीद के लाना नहीं है। मतलब बड़े बड़े गमले चाहिए, बड़े बड़े कैरी, हमें ग्रो बैग चाहिए, ऐसे कुछ चाहिए नहीं हमें। खाली ईटे लेके आओ, सिंगल ईट, एक के बाजू में एक ऐसे रखनी है और उसके बीच में ईटों को पूरा आपने सूखे पत्तों से भर देना है। अगर मिट्टी यूज नहीं करनी है तो ईटों में पत्ते भर दो, उसको दबा दबा के भर दो पहली बार, और जो हमारा सिद्धांत है वैसे वो काष्ठ चंदन हो जाएगा। उसके ऊपर मेरे कैलकुलेशन से 1 स्क्वायर फीट के लिए 100 ml जीवामृत बहुत है। मतलब आप गिन लो कि आपकी कैरी कितनी बड़ी बन गई है, उसके हिसाब से 100 ml के हिसाब से आप उसमें जीवामृत छिड़क दो। कैरी की मोटाई 4.5 इंच, खाली 4.5 इंच, मतलब ईट एक मोबाइल को ही दोगे, मैं बताऊंगी आपको 4.5 इंच। समझो ये ईट हमारी ऐसी होती है, तो इसको हमें ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, ऐसे खड़े नहीं करना है, ऐसे करना है, तो ये 4.5 बन जाती है। और आजू बाजू में ऐसी 2 ईटें रखनी है, खाली रखनी है, इसकी बीच की गैप भरनी नहीं है हमें, वो खाली आजू बाजू में रखनी है। और उसमें सूखे पत्ते आपके पास किसी भी पौधे के हो या अनाज के हो उसको भर देना है और उसके ऊपर जीवाणु छिड़क देना है। और जो आपके पास प्लांट रेडी है जिसके रूट पे मिट्टी का बॉल है तो वो पौधा आप उसी टाइम पे उसमें लगा सकते हो, मिट्टी न होने के बावजूद वो पौधा उसमें रख दो, जीवाणु छिड़क दो। और पानी मैंने तो पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम किया है, आपको जैसे ठीक रहे आप वैसे कर सकते हो। आइडियल है शॉवर बकेट, जो झाड़ी बोलते हैं हम, उससे पानी देना आइडियल है। अगर स्प्रिंकलर भी बिताते हो तो मेरे घर के हिसाब से मैं बताती हूँ, 3,500 स्क्वायर फीट का मैंने कवरेज किया है अपने अर्बन फार्मिंग का, तो उसका मेरा स्प्रिंकलर का टाइम दिन में खाली 5 मिनट का होता है, वो भी सुबह 8 बजे के पहले। धूप के टाइम पे नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे भी सीमेंट बहुत पक जाता है, तो बाद में पानी नहीं छिड़कना है, इतने पानी में हो जाता है। और जब आप शुरुआत कर रहे हो उसी दिन उसमें ये पौधे के साथ साथ एक थोड़े 15-20 राई के दाने छिड़क दो। एक 10-15 दिन के बाद आपको वो राई के दाने में से जर्मिनेशन पता चल जाएगा कि कुछ उग रहा है, माने आपका ह्यूमस तैयार होना शुरू हो गया है, आपकी वो कैरी बीज बोने के लिए तैयार हो चुकी है और आप बीज बो सकते हो। और जैसे ही जर्मिनेशन अपने आप होता है उसमें आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो बीज लगा सकते हो। ये बात हुई बिना मिट्टी की। अगर आप मिट्टी यूज करना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगी कि आपके आजू बाजू में जो मिट्टी मिले वो, नदी की मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है, जो मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी को आप लो, उसमें सूखे पत्ते मिला लो, उसका प्रपोर्शन भी कुछ भी नहीं है, जितना आपके पास है उतनी मिट्टी जितने पत्ते हैं उतने पत्ते, उसके ऊपर आप घन जीवामृत है तो मिक्स कर दो, नहीं है तो जीवामृत छिड़क दो। जीवामृत छिड़क के उसको ठीक करके छाव में, जैसे हम घन जीवामृत करते वक्त करते हैं वैसे रखो, उसके ऊपर धूप मत गिरने दो। और 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद उसको जो कैरी आपने ईंटों की तैयार की है उसमें फैला दो। और उसमें आपको जो पौधे लगाने हैं वहां पे मिट्टी है तो उसी दिन पे आप बीज भी बो सकते हो। जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाली विंडो ग्रिल है, छत भी नहीं है अपने पास, तो विंडो ग्रिल में हम हमारे पुराने कपड़ों से, मतलब हमारी पुरानी चादर होगी, पुराने कर्टन होंगे, पुरानी जीन्स के पैच, कॉटन के पैच, जो कपड़ा जाड़ा होता है उसे हम हाथ से कुंडी के जैसे, पॉट के जैसे बड़े बड़े ग्रो बैग्स बना सकते हैं।
वो ग्रो बैग बनाना बहुत ही आसान है। आप एक आयत में या चौरस में एक ग्रो बैग बना दो जो आपके विंडो ग्रिल का साइज है। ये आप ये ग्रो बैग टेरेस पे भी रख सकते हो, जिनको डायरेक्ट टेरेस पे नहीं करना है वो ग्रो बैग में कर सकते हैं। उसकी हाइट भी आपको 6 इंच के ऊपर की लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टीफ रहे। इसीलिए आपने क्या करना है, समझो ये उसकी किनारी है ग्रो बैग की, तो उसको 1 इंच पे मोड़ना है और इसको सिलाई मार देनी है और उसमें एक डंडी आप लगा दो ताकि वो स्टीफ रहे। तो चारों बाजू ऊपर के डंडी लगा दो ताकि वो स्टीफ हो जाए, और जितनी 4.5 इंच की हाइट है वहां पे एक एक डंडी खड़ी कर दो। तो वो हो गया आपका, एक बक्सा तैयार हो गया। उस बक्से में ऐसे ही जैसे मैंने टेरेस में बताया वैसे ही करना है और उसमें पौधे या बीज लगा देने हैं। स्काई द लिमिट, आप जितना करोगे कम है, सब कुछ बहुत ही अच्छा आता है। और आज की तारीख में मेरे टेरेस पे ऐसी बात है कि एक एक इंच पे मैंने लड़ाई लड़ी है, एक एक इंच छुटा नहीं है। हर तरफ कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। मेरे किचन का मटेरियल भी, जिसको मैं उसको भी मैं खाना बोलती हूँ, उसको वेस्ट किचन वेस्ट नहीं बोलती हूँ, उसको भी मैं फैला देती हूँ। लेकिन उसमें एक ध्यान रखिए, जो सूखे पत्ते हम 4.5 इंच तक डालते हैं, किचन का मटेरियल हमें 1 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं डालना है, और वो भी रोज अलग अलग जगह पे, नहीं तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें फंगस पकड़ता है, ये सब होता है। क्योंकि एक एक गुरु जी का शब्द अगर ध्यान में रखोगे तो जहाँ पे उसको हीट मिलती है, किचन में खाना पकना शुरू होता है, वहीं पे वो बिगड़ना भी शुरू होता है। तो उसको हमें वहां पे एकदम माइनर लेयर में करना है, उसकी हाइट आपको 1 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं करनी है। और ऐसे आप जितनी जगह है उतने कैरी ग्रो बैग्स, उतने गमले अगर है आपके पास तो गमले, मैं तो बोलूंगी कि गमले लेने की जरूरत ही नहीं है, घर में वो 0 बजट में हो जाता है। जो घर के कपड़े हैं या ईंटे हैं, आजू बाजू के ईंटे भी होंगे तो उसमें भी आप कर सकते हो। पत्थर भी रख सकते हैं, पत्थर भी रख सकते हैं, डेफिनेटली पत्थर भी रख सकते हैं। और नॉट नेसेसरी कि वो एक जैसे हो, जो कुछ आपके पास है बस उसको आजू बाजू में रखना है और उसके बीच में ये फैले नहीं, इसलिए वो एक हमें उसकी सीमा रेखा बनानी है, जैसे कि वो फैले नहीं सूखे पत्ते। और जैसे ही जीवामृत और पानी का छिड़काव होता है वो उड़ते नहीं है हवा से, वो वहां पे बैठ जाते हैं, दब जाते हैं और ह्यूमस तैयार होना शुरू हो जाता है। और एक गारंटी से बता सकती हूँ कि मैंने 27 साल बाद मेरा पहला वाला गार्डन, हम नए घर में शिफ्ट हो गए तो वहां से उठा के यहाँ पे लाई, तो एक और एक्सपीरियंस मिला। 27 साल के बाद भी जो मेरे फलों के पौधे हैं, मतलब जो 30-30 फुट के बने थे, वो निकालने के बावजूद भी टेरेस को 1 इंच का डैमेज नहीं हुआ था। 1 इंच का भी डैमेज नहीं, ये है अपना करिश्मा सुभाष पालेकर कृषि का, कि कुछ डैमेज नहीं होता है, ना तो प्लास्टिक फैलाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। एक मैं मेरा शेयरिंग बोलती हूँ कि अगर नीचे प्लास्टिक फैलाते हो तो जो अनवॉन्टेड रेड वर्म्स वाले हैं लोग, जो हमारे शत्रु की तरह है, वो प्लास्टिक के नीचे उसकी मॉइस्चर की वजह से, उसकी आर्द्रता की वजह से नीचे तैयार होते हैं। वो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स का अनुभव रहा है, इसलिए मैं आप सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लास्टिक लगाओ ही नहीं, प्लास्टर करते ऊपर या जरूरत नहीं। हाँ, जो स्लैब है उसी पे करो। अगर आपको टेंशन है कि नीचे सीपेज लीकेज ऑलरेडी हो रहा है तो मैं बोलूंगी कि आप किनारे छोड़ दो और बीचों बीच में करो, क्योंकि सीपेज लीकेज होता है वो स्कर्टिंग की बाजू से होता है, मतलब जहाँ पे दीवार है वहां से होता है, तो बीचों बीच में करने से कुछ नहीं होगा। आप डरो नहीं, मैं 35 साल से कर रही हूँ, कभी भी आपके मन में शंका होगी तो मैं हूं ना, मेरा एक पॉपुलर वर्ड है, मैं हूं ना, क्यों टेंशन है, कुछ भी नहीं होता है। बस हमें आंदोलन को, शहरवासी होने के बावजूद आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है, लेकिन मैं खुद को किसान बता रही हूँ। आज आप सबके साथ हूँ क्योंकि हाँ मैं किसान हूँ, मैं शहर कैसे करती हूँ, सब इस बात के दिखाया है मैंने। खाली चावल मैंने कभी लिया नहीं है क्योंकि उसकी टेक्निक आज भी मुझे पता नहीं है, लेकिन सब कुछ उगा सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं, पंछियों को भी बुला सकते हैं, मेरे पास बंदर आते हैं, नेवी है,
खैर ये भी एचपीके की कमाल होगी क्योंकि मेरे बाजू के लेन में बंदरों ने इतना सत्यानाश कर दिया था लेकिन मेरे घर पे कभी बंदर नहीं आए। मैंने पहले उनको बताया कि वहाँ नहीं जाना। गुरु जी की कृपा ऐसी होती है कि गुरु जी उनको भी रोक लेते हैं। मेरे की बात छोड़िए तो आप बेझिझक कर दो, इसका एक फायदा ये होगा। क्या फायदा होगा आपकी किसी के दिमाग में आया? तेरे गर्व तो नहीं होगी लेकिन मेरे जैसे पागल अगर हर शहर में जन्म लेंगे तो किसानों के कस्टमर यही तो लोग हैं। हम एसपीके को इतना पॉपुलर करते हैं कि हर के पास सेल्स नहीं है, वो दो चार कुंडी में दो चार ग्रो बैग में कुछ लगाते हैं लेकिन उनको एसपीके क्या है, उसकी टेस्ट क्या है, ये इतना पता चलता है कि उनकी डिमांड इतनी बढ़ती है कि अपने किसानों के ग्राहक यही लोग तो है। शिविर लेने की और भी एक मेरी इच्छा होती है कि अपने किसानों को 100% ग्राहक मिल जाए जिनको वैल्यू हो, जो अवेयर हो चुके हो। इसमें एक बात होती है तो ज्योतिपुर गई कि कॉर्पोरेशन ने बड़े बड़े शहर में क्या होता है, रोड साइड बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते गिरते हैं, सुबह कर्मचारी कॉर्पोरेशन का करते हैं वो इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं जलाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और वो पत्तों का सदुपयोग यहाँ होता है क्योंकि हेडेक है कॉर्पोरेशन का। ये सही तरीका है उसका। और जब छत अपना ही बंद होगा, दीवार अपना ही बंद होगी तो ग्लोबल वार्मिंग घटेगी। ये उसका एक बात बताइए, आच्छादन के लिए जो कचरा चाहिए अगर हमारा दुश्मन है उसका उपयोग अगर हम आच्छादन के लिए करेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा कोई तो दुश्मन फ्रेंड बन जाएगा ना, किसको घर में नहीं चाहिए कोई, वो इतना सेल्फिश हो जाएगा कि वो बोलेगा मैं नहीं देने वाला। एक बार देगा, दूसरी बार देगा, तीसरी बार वो देखने आएगा कि तू क्या कर रही है और फिर बोलेगा कि मैं नहीं पट्टे देने वाला हूँ। और जो गुरुजी ने बताया अभी वो सही है कि कॉर्पोरेशन की बाई लोग इतने खुश हो जाते कि उनका काम कम हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आज भी याद है पुणे में एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है यशदा, जहाँ पे अर्बन ट्रेनिंग सेंटर है, वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहां से मैं 99 से 92 2002 तक मैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया सतारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वीर आधा वहां पे कलेक्टर जी तब की बात है ये, तो उनके साथ हम वहां पे गए थे और जो पूरा सेशन हमारा 3 महीने का, हर वीक में 3 दिन ऐसे 3 महीने हम वहां पे जाते थे, सोम मंगल बुध, हर हफ्ते के 3 दिन। तो जब लास्ट सेशन था तब एक बंदा, तब मैं आज मैं 58 हूँ तो 20 साल पहले की बात बोल रही हूँ, तो मैं जब 40 की भी नहीं थी, एक बंदा जो बहुत अंकल जैसे थे मेरे, वो आए और मेरे पैर छूने लगे, तो मैंने बोला अंकल जी आप ये मत करो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बताया वो थे आरोग्य दूत जिसको हम सफाई कर्मचारी बोलते हैं, मैं उनको आरोग्य दूत बोलती हूँ, तो वो मुझे बोले, आज भी मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े होते हैं कि उन्होंने बताया कि बेटा आज मुझे पता चला कि मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि जो वो गंदगी जिसको बोलते थे, मैंने उसको बताया था कि वो अपना पौधों का खाना है, वो हमने यूज करना है, उसमें हमने पौधे लगाने हैं, तो इतने इन लोगों के भी आशीर्वाद हमें मिल जाएंगे। यही तो सिस्टम होनी चाहिए एक्चुअली कि सफाई कर्मचारी कोई नहीं होना चाहिए, हमने सेल्फिश बना है और जितने पेड़ हमारे पास है उसके सब पत्ते इकट्ठा करके हमारे घर पे लाने हैं और घर के छत पे ऐसे फैलाने हैं। आज तक मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि टनों में ये पत्ते मेरे टेरेस पे आज तक गले होंगे। 35 सालों में आप सोचो मैंने कितना किया था, वो पहली टेरेस थी 4,000 स्क्वायर फीट की, आज की है 3,500 स्क्वायर फीट की, और एक अगर आप समझो 6x6 का आपने एक स्क्वायर ले लिया, 6x6 में आप कम से कम 15-20 बोरी जितने पत्ते एक टाइम में डाल सकते हो। शुरुआत जब करते हो तो इतने बोरी पत्ते आपको लगते हैं, मतलब जब तक आपके पास इतने पत्ते इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप गार्डन शुरू भी नहीं कर सकते। इतना सेल्फिश हो जाओ कि सब लेके आओ घर पे और कर दो। आप किसान भी जहाँ पे, अगर आप खेत में नहीं रहते हो तो जहाँ पे रहते हो वहाँ की छत पे ये कर दो, आराम से हो जाता है।
कृषि उपज मंडी में हर रोज सब्जियों के बॉक्सेस और सब्जियों के अवशेष या धान का पुआल जो बॉक्स में लाते हैं और फलों के अवशेष बहुत कूड़ा होता है, सड़ता है, दुर्गंध फैलती है। वो कूड़ा अगर हम हमारे देश पर लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उनकी भी हेडेक कम हो जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, हम जो श्वास लेते हैं ना, तो अब प्राणवायु शुद्ध रूप में हमें चाहिए। अब हमारे शहरों में प्राणवायु की कमी है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गए हैं। मिनट में 16 बार हम श्वास लेते हैं, तो प्राणवायु देने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। हमारी महिला ज्यादा समय अगर टेरेस पर बिताते पेड़ पौधों के बीच में, तो शुद्ध हवा मिल जाएगी, शुद्ध प्राणवायु मिलेगा, सिलेंडर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी महिलाओं को खुद को टेरेस पर गार्डन करना है, और ज्यादा समय कहाँ बिताना है? टेरेस पर बिताना। ये इसका अर्थ है कि खाना नहीं पकाना है, टेरेस पर रखना, ऐसा नहीं रहे, हाँ कह गई, तो ये हो रहा है। इससे एक और बात जोड़ती हूँ, मेरी पोती अभी 6 साल की है, 6 महीने पहले जब ये गुजरात की टीम मेरे पास आई थी, लता बेन, राजकुमार भाई, राजदीप भाई, ये सब, मेरे टेरेस में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारी। तो मेरी पोती 5.5 साल की, उसने बीजामृत में पौधा कैसे उसके रूट्स डुबोने हैं और कैसे लगाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया था 5.5 साल की उम्र में। तो अपने किसान सुभाष वाले को कृषि कितनी आसान भी तो है, इतने छोटे छोटे बच्चे आप सिखाने लगे हैं कि कैसे करना है, और उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, वो सब कुछ बताती है, ऐसे बीजामृत तैयार करना है, उसमें पौधों के रूट्स को डुबोना है और ऐसे लगाने हैं, फिर हमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरी मिलती है। और यह बात उसने उसके टीचर को बताई, स्कूल में जाने के बाद उसके शिक्षक को बताई, तो वो उसके शिक्षक ने मुझे पूछा कि इसको इतना नॉलेज कैसे है, आप रट्टा मारते हो? तो नहीं, ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, वो रोज मेरे साथ काम करती है अपने खेती में। इतनी छोटी उम्र में उसको पता चलता है कि पहले फूल नहीं आता है, फूलों के साथ साथ वो फूल के बीच में से स्ट्रॉबेरी निकलती है। एक कोबीज मतलब एक पौधा होता है, उसको पता चलता है कि ये सब क्या है, मतलब सबको पता चलेगा, हमारे बच्चों को, नई जनरेशन को यही तो सिखाना है हमें। तो आप पहले फोन में बताइए जिनको टेस्ट करना है, ज्योति शाह जी से आप चर्चा कर लीजिए, वो आपको वीडियो भेजेंगे। मेरा नाम है ज्योति शाह और मेरा नंबर है 9422333155 9422333155